सबसे पहले जानते हैं जिस सावन के तीसरे सोमवार का आखिरी महत्व क्या है। देखिए, शिव जी सृष्टि के तीन गुणों को नियंत्रित करते हैं। इस सृष्टि के तीन गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान शिव इन तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं, तीन नेत्र हैं और शिव जी की उपासना भी मूल रूप से तीन स्वरूपों में की जाती है। अब अगर आप भगवान शिव के तीन रूपों में उपासना करना चाहते हैं तो इसके लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करके आप सावन के तीसरे सोमवार पर अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। और शिव जी के इन तीनों स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल मतलब सोमवार के सूर्यास्त के 45 मिनट से पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होगा उसकी पूजा उसी समय में उपयुक्त होगी, उसी समय में अनुकूल होगी। तो शिव जी के इन तीनों स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जब लोग कुंडली दिखाते हैं या ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसी दशा में अपने ग्रह को कंट्रोल करने चाहते हैं। सूर्य परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, राहु की दशा चल रही है, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको नियंत्रण करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह आपको परेशान ना करें, आपके ग्रह आपके जीवन में बाधा पैदा ना करें, ऐसी दशा में भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। क्या है भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की महिमा? जब समुद्र मंथन हुआ देवता और दानवों में, तो उनमें से सबसे पहले विष निकला, फलाता विष। इसका नाम था कालकू और उसके प्रभाव से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा करने के लिए इस विष को पी लिया। देखिए, समुद्र मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए, लेकिन शिव ने सबसे पहले जहर ही पी लिया। अगर वो जहर नहीं पीते तो अमृत कैसे निकलता, कोई जिंदा ही नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव को अमृत की आवश्यकता नहीं है, वरना वो जहर नहीं पीते, यानी उनके लिए अमृत तो है ही नहीं। वो सदा से थे, सदा से हैं और सदा से रहेंगे। यानी अमृत से पहले जितना भी विष पी लिया वैसे ही अमरता से ऊपर है और शिव अमरता से ऊपर है, ये बात भी समझ लीजिए। जब भगवान शिव ने विष पिया तो अपने कंठ में या अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने की वजह से शिव जी के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। अगर आप भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करें तो इससे शत्रु बाधा दूर होती है, षड्यंत्र समाप्त होते हैं और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर आपके ऊपर नहीं होता है। सावन के सोमवार को शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। और आप नीलकंठ स्वरूप की उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गन्ने का रस, जिसको ई का रस भी बोलते हैं, गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसके बाद जल चढ़ाइए और इसके बाद नीलकंठ स्वरूप का मंत्र कम से कम 108 बार या और भी ज़्यादा कीजिए। मंत्र होगा ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय। इसके बाद भगवान शिव जी की प्रार्थना कीजिए कि आपके ग्रह की बाधा दूर हो जाए। निश्चित रूप से आपके ग्रहों की बाधा दूर हो जाएंगी।